हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है दीक्षा भूमि एक्सप्रेस के बारे में, जो कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर से धनबाद जंक्शन झारखंड के बीच में चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है दीक्षा भूमि एक्सप्रेस। दीक्षा भूमि एक्सप्रेस जो है कोल्हापुर महाराष्ट्र से हर बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को धनबाद जंक्शन के लिए रवाना होती है, और ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। इसे सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। दीक्षा भूमि एक्सप्रेस जो है कोल्हापुर से धनबाद की जो दूरी है ये 60 घंटे 15 मिनट में कवर करती है। इसके तकरीबन 42 स्टेशन हैं और 894 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 48 किलोमीटर पर आवर। अगर दीक्षा भूमि एक्सप्रेस के ट्रेन नंबर के बारे में बात की जाए तो इसका ट्रेन नंबर है 11045, और ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और हफ्ते में एक दिन चलती है, हर बृहस्पतिवार को चलती है। अगर दीक्षा भूमि एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में बात की जाए तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो कोल्हापुर से धनबाद तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कर ले। थर्ड एसी का जो किराया वो है 2360 रुपये, जिसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज, GST चार्ज शामिल होता है। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है इसलिए इसमें कोई सुपरफास्ट चार्ज जो है नहीं जोड़ा जाता। स्लीपर क्लास का जो किराया वो है 905 रुपये, इसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज, GST चार्ज नहीं शामिल होता। रिजर्वेशन चार्ज और बेस फेयर चार्ज जुड़ जाते हैं और कोई चार्ज नहीं शामिल होता है। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं जिसका किराया जो है लगभग 500 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट जरूर रेफर कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं दीक्षा भूमि एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। अगर आपने कभी दीक्षा भूमि एक्सप्रेस में ट्रैवल किया है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। दीक्षा भूमि एक्सप्रेस जो है कोल्हापुर से हर बृहस्पतिवार को रवाना होती है। रात के 11:35 पर ये दो नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और इसके तकरीबन 42 स्टेशन हैं धनबाद जंक्शन झारखंड तक। दूसरा जो स्टेशन आता है वो है महाराष्ट्र का मिरज जंक्शन। यहाँ पर ये ट्रेन जो है रात के 12:40 पर पहुँचती है और 12:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है 17 स्टेशन में पहुँचती है सुबह 3:17 पर, और 3:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है, और एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है। पुणे जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 7:25 पर पहुंचती है और 7:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दाहौंद जंक्शन में पहुंचती है। दाहौंद जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 9:20 पर पहुंचती है और 9:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है। अहमदनगर में ये ट्रेन जो है सुबह 11:07 पर पहुंचती है और 11:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। खोपर गाँव में ये ट्रेन जो है सुबह 11:18 पर पहुंचती है और 1:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। मनमाड़ जंक्शन में ट्रेन जो है दोपहर के 2:20 पर पहुंचती है और 2:25 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, और 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है। औरंगाबाद में ट्रेन जो है शाम के 4:25 पर पहुंचती है और 4:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। जलना स्टेशन में ट्रेन जो है शाम के 5:20 पर पहुंचती है और 5:21 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, और एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है। परबरी जंक्शन महाराष्ट्र में ये ट्रेन जो है शाम के 7:30 पर पहुंचती है और 7:32 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये पूर्णा जंक्शन में रात के 8:50 पर पहुंचती है और 8:52 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हजूर साहिब नांदेड़ में रात के 9:58 पर पहुंचती है और 10 वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। किनवत स्टेशन में ही है रात के 1 पहुंचती है और 1:01 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, और एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1130 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। तेलंगाना के आदिलाबाद में ये ट्रेन जो है रात के 2 पहुंचती है और 2:05 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दीक्षा भूमि एक्सप्रेस जो है फिर से महाराष्ट्र में एंटर करती है। महाराष्ट्र में ये वाणी स्टेशन में पहुंचती है सुबह 4:40 के करीब और 4:40 पे ही वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दीक्षा भूमि एक्सप्रेस जो है वो मजरी जंक्शन महाराष्ट्र में सुबह 5:13 पे पहुंचती है और 5:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। सेवाग्राम जंक्शन में ये सुबह 6:11 पे पहुंचती है और 6:13 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। नागपुर जंक्शन, इसके बाद ये ट्रेन जो है नागपुर जंक्शन में पहुंचती है। नागपुर जंक्शन में इसका पहुंचने का समय है सुबह 7:40 पे और 7:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। नरखेज जंक्शन महाराष्ट्र में ये ट्रेन जो है
सुबह 8:53 पे पहुंचती है और 8:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के पंदूरना स्टेशन में सुबह 9:11 पे पहुंचती है और 9:13 पे वहां से रवाना हो जाती है। अमला जंक्शन में ये सुबह 10:21 पे पहुंचती है और 10:23 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बैतूल स्टेशन में पहुंचती है सुबह 10:38 पे और 10:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है घोड़ा डोंगरी स्टेशन में पहुंचती है सुबह 11:21 पे और 11:23 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। इटारसी जंक्शन में ट्रेन जो है दोपहर के 1:40 पे पहुंचती है और 1:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जबलपुर जंक्शन में पहुंचती है शाम के 5:05 पे और 5:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। कटनी जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 6:30 पे पहुंचती है और 6:35 पे वहां से शाम के 6:30 पे पहुंचती है और 6:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के मेहर स्टेशन में पहुंचती है शाम के 7:20 पे और 7:22 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के आखिरी स्टेशन सतना जंक्शन में रात के 8:15 पे पहुंचती है और 8:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। इलाहाबाद जंक्शन में ट्रेन जो है इलाहाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश में ये ट्रेन जो है रात के 1:05 पे पहुंचती है और 1:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 25 मिनट का स्टॉप है। इलाहाबाद सिटी में ये 2 मिनट के लिए रुकती है। रात के 1:36 पे पहुंचती है और 1:38 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। ज्ञानपुर रोड उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है रात के 2:48 पे पहुंचती है और 2:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। ज्ञानपुर रोड में ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे रुकती है और 2411 किलोमीटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी होती है। वाराणसी जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 4:45 पे पहुंचती है और 4:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। मुगलसराय या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 5:38 पे पहुंचती है और 5:48 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। बिहार के भाबुआ रोड में ये ट्रेन जो है सुबह 6:27 पे पहुंचती है और 6:28 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। सासाराम जंक्शन में ये सुबह 7:00 पहुंचती है और 7:01 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। देहरी ऑन सोने में ये ट्रेन जो है सुबह 7:16 पे पहुंचती है और 7:18 पे वहां से रवाना हो जाती है। अनुग्रह नारायण रोड में ये सुबह 7:30 पे पहुंचती है और 7:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये गया जंक्शन बिहार में पहुंचती है सुबह 8:30 पे और 8:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कोडरमा जंक्शन में पहुंचती है सुबह 9:55 पे और 9:58 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। ये झारखंड का पहला स्टेशन है। उसके बाद पारसनाथ स्टेशन में सुबह 10:51 पे पहुंचती है और 10:53 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दीक्षा भूमि एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन धनबाद जंक्शन में दोपहर के 12:00 पहुंचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। दोस्तों इसी के साथ दीक्षा भूमि एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अन्य और वीडियोज भी मैं बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके जो बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे और मेरी बाकी अन्य वीडियोस को भी देखें और लाइक और शेयर जरूर करते रहें। अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।